सर एक मैं चाणक्य इसको समराइज करूंगा चीजों को कि कैसे मुझे हेल्प किया। चाणक्य ने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि अगर आप अपने खुद के अनुभव से चले गए तो आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आप किसी के एक्सपीरियंस से थोड़ा सा अगर सीख के जाएंगे तो आप अपनी जर्नी को बहुत आसान कर देंगे। तो अगर आप चीजें बहुत बेसिक सी रहती है, लेकिन अगर वो उस व्यक्ति उस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे, उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, तो ऑफकोर्स आपको सक्सेस मिलेगी। और मेहता सर के सेशंस में मैंने वही देखा था। मैंने फर्स्ट डे सर को कॉल किया था, आई थिंक एक मैम का इंटरव्यू था, तो उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे सर ने बोला मैंने फॉलो किया, तो मैं उस इंटरव्यू से इंस्पायर होकर सर को तुरंत कॉल किया था कि सर आप जो बोलोगे, आप जैसा मटेरियल भेजोगे मैं सारा पढ़ लूंगा, जितने क्वेश्चंस बताओगे सारे के सारे, बट मैं अपना 100% दूंगा, बाकी सारी चीजें आपके ऊपर छोड़ दूंगा। तो सर ने कहा कि बस मुझे यही चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, जितना गाइड कर सकता हूँ मैं पूरा हमेशा आपको हेल्प करूंगा, लेकिन मेहनत आपकी रहेगी। तो वो तो हर एक की इंडिविजुअल रहती है, अगर मेहनत अगर करने में कोई कमी नहीं रखा है, आई थिंक उसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं कि इंटरव्यू क्रैक नहीं हो सकता है, इट्स जस्ट एन इजी सर। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो वी हैव वेरी स्पेशल मेंबर टुडे इन दिस वीडियो, जिनका नाम राम प्रसाद है। राम ने रिसेंटली फिजिक्स वाला का जॉब रोल क्रैक किया है, एक बहुत ही स्पेशल जॉब रोल है, बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू क्रैक किया है। आज हम जानेंगे राम से इस पूरे सेशन में, इस पूरे वीडियो में, उन्होंने ये इंटरव्यू कैसे क्रैक किया, राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए थे, क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, एंड हाउ एक्चुअली ही आंसर्ड एवरीथिंग। राम ने काफी एफर्ट्स करे हैं, आई नो हिम पर्सनली बिकॉज ही वाज पार्ट ऑफ मॉक इंटरव्यू आल्सो। हमने देखा है हाउ ही हैज डन द एफर्ट इन द कंप्लीट जर्नी, एंड टुडे ही हैज क्रैक द इंटरव्यू। तो उनसे सुनेंगे जानेंगे। उसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि यू कैन लर्न एवरीथिंग इनकी जर्नी से, इनके क्वेश्चन से, ताकि आप जब इंटरव्यू के लिए जाए या बैठे तो आप ऐसे इंटरव्यूज क्रैक कर सके। आप देख पा रहे होंगे वो फिजिक्स वाले की टी शर्ट भी पहन के बैठे हुए हैं अभी, बिकॉज ही इज इन द ऑफिस करेंटली, और वहां से ये सेशन हम करवा रहे हैं ताकि वी कैन लर्न फ्रॉम हिम। ही इज बिजी विद द स्केड्यूल बट स्टिल ही हैज स्पेयर टाइम फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि आपको ये मालूम पड़े कि इंटरव्यूज कैसे होते हैं, क्वेश्चन कैसे होते हैं, राउंड कैसे होते हैं वहां पे। तो बने रहिएगा एंड तक और सुनते रहिए राम की जर्नी स्टार्ट से लेके कंप्लीट एंड तक। तो राम फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस, एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी आपने बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में अपना ये इंटरव्यू क्रैक किया है। आपने इंटरव्यूज दिए, आपने सेशंस दिए, डेमोस दिए, एंड फाइनली यू हैव नेल्ड द इंटरव्यू। तो टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग दिस जर्नी ऑफ योर्स कि आपने ये मैजिक कैसे किया, स्टार्ट कैसे हुआ है जर्नी, क्या क्या राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए थे, एंड हाउ एक्चुअली यू क्रैक द इंटरव्यू। हम स्टार्ट करेंगे आपके एक बेसिक इंट्रो से, आपके बारे में जानते हैं, देन आवर ऑडियंस वांट्स टू नो दैट हाउ दिस मैजिक हैपेंड कंप्लीटली। सो ओवर टू यू, अपने बेसिक इंट्रो से स्टार्ट करिए, देन पूरी जर्नी को जानते हैं आपकी स्टेप बाय स्टेप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। मेरा नाम राम प्रसाद है और मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है VIT यूनिवर्सिटी भोपाल से किया है। उसके बाद मेरा कॉलेज प्लेसमेंट लग गया था एक्स्ट्रा मार्क्स एजुकेशन में, और मैंने मेरा जो होम टाउन है वो राजस्थान में उदयपुर है। करंटली मैं TW में, यहाँ पे बुल्दाना, महाराष्ट्र बुल्दाना में प्लेस्ड हूँ। तो इस बार बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था मेटा वॉइस के साथ जुड़ने का। और सर एक चीज का हुआ कि फर्स्ट जो जॉब थी वो कॉलेज प्लेसमेंट से इजीली मिल गई थी, बहुत अच्छी कंपनी थी, बट मुझे एक्चुअली स्विच करना था। तो मैं इंटरव्यूज दे रहा था और बहुत सारे रिजेक्शंस भी आ रहे थे। इसी बीच में मैंने यूट्यूब पे एक बार ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे मेटा वॉइस के बारे में पता चला। तो पहले तो ऐसा लगा कि ये नहीं सही नहीं है, क्योंकि वो ऑनलाइन वो ट्रस्ट बिल्डअप करने में हाँ थोड़ा समय लगता है। काफी टाइम लगता है। तो इसी कारण से फिर मैंने कहा ठीक है एटलीस्ट एक बार ट्राई करते हैं। लेकिन जो बहुत प्रीवियसली जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, इन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है कि सर कैसे रिप्लाई देते थे, और मतलब कि आपका हर एक कभी भी कॉल करो सर रिप्लाई देते हैं, वो मैंने फर्स्ट डे ही थोड़ा सा देख लिया था कि जब भी मैं कॉल करता था मुझे कुछ डाउट्स आते थे, तो सर इवन हमारी बात आई थिंक रात को 12-1-1 बजे भी
मैंने कॉल किया है क्योंकि बहुत इश्यू हुए थे जब पीडब्ल्यू के आए थे, कुछ इंटरव्यू के बाद पहचान राउंड वगैरह हो रहे थे, तो उस समय मैंने कॉल किया था। उस समय सर आपने 12-1 बजे भी कॉल किया था, तो वो एक कॉन्स्टेंट सपोर्ट की वजह से एक बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप हुआ। तो आप सारा का सारा, मैं तो यही कहूँगा कि अब क्रेडिट आपका है सर, आप नहीं होते तो मेरा ये नहीं होता। सो अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर मोस्ट वेलकम जी। हेल्पिंग मी आउट। ओके परफेक्ट। सो हम शुरू से शुरू करेंगे आपकी जर्नी को, कि आपने ये जर्नी स्टार्ट कैसे करी, आपको फिजिक्स वाला ने कैसे अप्रोच किया या आपने कैसे उनको अप्रोच किया, और राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए थे वहां पे। यस सर। सर फिजिक्स वाला से मैं लास्ट 3-4 महीने से लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव था कि मैं जॉब के लिए सर्च आउट कर रहा था, तो ऑफिस के साथ साथ मैं बहुत इसको रेगुलरली लिंक्डइन पे थोड़ा एक्टिव रह गया था। और आपके जो सर अपडेट आते थे यूट्यूब चैनल पे, मैम के वीडियोस वगैरह आते थे, मैं कंटिन्यूसली उस पे, जैसे ही मेरा जैसे ही यूट्यूब पे कोई वीडियो आया तो मैं तुरंत उसको देख लेता था। अच्छा ये आया, ये आया, ये आया, तो मैं सोचता था कि मैं इसमें अप्लाई करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि वो अगर रिजेक्शन वाला जो एक रहता है ना, डर रहता है कि नहीं अब हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, तो पहले ऐसे थोड़ा डर सा लगता था। आपसे मैंने पूछा था कि सर ये एक यहाँ पे वैकेंसी आई है, मैं अप्लाई करूँ या नहीं करूँ इसमें, तो आपने कहा कि अब इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप अप्लाई करिए और अगर नहीं भी होता है तो फिर आप इसका इंटरव्यू का शेड्यूल करवा देंगे दोबारा, इस तरह से आपने बताया था। क्योंकि जनरली पीडब्ल्यू में अगर अगर आप एक बार अगर इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते तो 3 महीने तक आप नहीं कर यस सकते हैं, लेकिन ओके। आपने कहा था कि नहीं आप हो जाएगा, इस तरह से कुछ आपने बात किया था, तो इस तरह से मैंने सर किए। और मेरा आई थिंक 25 को इंटरव्यू था, 25 को इंटरव्यू शेड्यूल किया था, और 24 को मैंने सर को मैसेज किया था कि सर इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। तो उससे पहले मेरे मॉक सेशंस एक्चुअली हुए नहीं थे, मॉक सेशंस के लिए मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया था, मैं एक्चुअली डेमो नहीं बना पाया था क्योंकि मेरा साथ साथ जॉब चल रहा था और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो उसी रात को मैंने मैम के साथ एक डेमो शेड्यूल करवाया अपने रात को ही, कि कल मेरा इंटरव्यू है, और एक ही डेमो शेड्यूल करवाया था। वो डेमो मैम ने कोई रैंडमली टॉपिक पढ़ाने से बोल दिया था और मैंने उस पर पढ़ाया, और उसका फीडबैक जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। मैम ने मुझे बहुत सारी मेरी कमियां बताई कि मेरा बोर्ड वर्क थोड़ा सही नहीं है। देखो सर, नॉलेज सबके पास रहती है कहीं ना कहीं, थोड़ी बहुत नॉलेज अगर कोई टीचिंग फील्ड में आ रहा है तो थोड़ी बहुत नॉलेज रहती है, बट उसको कैसे आपको प्रेजेंट करना है वो हमें कोई अगर साथ वाला अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो हमें सिखा सकता है। आई थिंक आपके जो आपका जो सपोर्ट है, जो आपका जो बैच लिया था उसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प मिली मुझे कि मेरी जो नॉलेज है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में जो इंटरव्यूअर है, आप कितने कम समय में कितना आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं और किस वे में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि तो आपके इंटरव्यू के शुरुआत के 3 से 4 मिनट में वो आपको जज कर लेगा कि आपको पढ़ाना आता है या नहीं आता है। और यही सेम चीज़ मुझे मैम ने बताई थी, तो उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई रखना होता है। मैंने मुझे पता है कि मैं पूरी रात भर सोया नहीं था उस रात को, और पूरी रात भर मैंने मैम्स ने मिस्टेक्स बताई थी उनपे पूरा रिगलेसली काम किया, और फिर मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। इंटरव्यू शेड्यूल में बहुत उन्होंने कहा कि आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ाइए, तो मैंने काफ़ी समय उस पर रात भर काम किया था, और आई थिंक मैंने 8 से 9 बार अपने डेमोज रिकॉर्ड किए थे मैम के इंटरव्यू होने के बाद। तो मैम का इंटरव्यू आई थिंक 9 बजे था रात को, 9 से 10 बजे, 10:30 बजे तक चला था, और 11 बजे तक मैम ने मुझे सारा फीडबैक वगैरह सारा फॉर्म भरा था कि क्या क्या इसमें इश्यूज आए थे। उसके बाद मैंने सुबह तक, सुबह अगले दिन 25 को मेरा 3 बजे इंटरव्यू शेड्यूल था। उसमें मुझे वर्क पावर एनर्जी, मैंने एक वर्क पावर एनर्जी तैयार करके लिया था, तो उन्होंने कहा कि आप सर आप पढ़ाइए। 10 मिनट पढ़ाया मैंने, और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू किया था कि ये एक्सपीरियंस फैकल्टी के लिए पोस्ट थी, तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया। वर्क पावर एनर्जी से उन्होंने सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि सर एक एटवुड मशीन बनाई है और उसमें वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा, बहुत बेसिक सा था। तो और उसमें उन्होंने वेरिएशंस किए अलग अलग, पहले जो था उन्होंने बताया सर फ्रिक्शन लेस थी,
फिर बताए कि सर जो पुली है वो उसका मास है, तब टेंशन बाय बटन बाय टेंशन क्या होगा, इस तरीके से उन्होंने अलग अलग वेरिएशंस के क्वेश्चंस। अच्छा वो मैंने थोड़ा अच्छे से क्लियर कर दिया था, आता था रोटेशन में थोड़ा सा इसका आ जाता है कि मास रहता है तो टेंशन वेरी करती है बटन बाय टेंशन। सेकंड क्वेश्चन इनका ये था कि जैसे एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताया था, नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे थे, इस तरह से बेसिक एनएलएम का क्वेश्चन था और उसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन बता रहे थे। उसमें थोड़ा सा मैं जब और वेरिएशंस किए देखे कि फोर्स की वैल्यू उन्होंने जब वेरी की, जब पहले तो बताया कि दोनों साथ साथ चले गए, स्लीपिंग नहीं होगी, फिर बताया कि जब स्लीपिंग होगी उस केस में क्या होगा, तो हल्का सा मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गया था। बट फिर सर ने बताया कि फिर मैं वापस से कंफ्यूज, क्योंकि वो सडनली क्वेश्चंस कर रहे थे और ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं थोड़े से टफ टाइप के, हल्के से रहते हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा हो गया था, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चंस सर ने बताया तो लास्ट में मैंने बता दिया था कि सर इस तरह से होगा। फिर परफेक्ट. उन्होंने 12th का मुझे एक टॉपिक दिए थे, 12th का कोई भी एक टॉपिक चूज करने के लिए बोला था, मैंने कहा फर्स्ट चैप्टर सर आप आया इलेक्ट्रिक चार्ज वाला, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था कि सर दो सिमिलर चार्ज है उनका नल पॉइंट कहाँ होगा जहाँ पे फोर्स जीरो रहता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट का रहता है। फिर उसमें एक क्वेश्चन उन्होंने एक बहुत अच्छा पूछा था कि सर ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इस अनस्टेबल है, तो अच्छा. वो भी मैंने थोड़ा सा बताया कि सर पहले तो मैंने देखा कि इक्विलिब्रियम मतलब कि सडनली हीट नहीं किया, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो, नेट टॉर्क से लग नहीं रहा था जीरो था, तो उस समय थोड़ा सा मैं हल्का सा हुआ, तो फिर सर ने मुझे हिंट दिया कि अच्छा एक काम करो, इस चार्ज पार्टिकल को जो बीच में रखा हुआ है आपने दो सिमिलर चार्जेस के बीच में, उसको थोड़ा इधर उधर हिला के देखो ऊपर नीचे या किसी भी डायरेक्शन में, तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि जहाँ पे भी ले जाओ वो वहीं पे मिड पॉइंट पे ये स्टेबल है, वहीं पे आ रहा है वापस। मैंने बताया सर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इस तरीके से सर ने बताया, और जो चार्जेज अगर अलग अलग थे उसमें कुछ वेरिएशंस किए, तो ये बेसिक क्वेश्चंस किए थे सर ने। आई थिंक मेरा इंटरव्यू 20 से 25 आई थिंक 30 मिनट हाफ एन आवर का चला हुआ मैक्स टू मैक्स ये मेरा हुआ। और फिर मैंने सर से पूछा भी कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पेन टेस्ट पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मेरे जो एक्स्ट्रा मार्क्स में भी देता वो पेन टेस्ट से सबसे ज़्यादा काम करता था मैं, तो बोर्ड पे इतना ज़्यादा मेरा हैबिट नहीं था कि आप थोड़ा बोर्ड पे काम किए कीजिए, और मैंने थोड़ा आप बताया कि सर आप कुछ अपना फीडबैक थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए मैं कौन सी चीज़ पे इम्प्रूव करूँ या क्या करूँ, कि सर आपका बाकी सब सही है तो थोड़ा सा बोर्ड पे थोड़ा सा काम करिए, तो फिर मैंने एक पॉजिटिव वे में उनको बताया कि सर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे अपने बोर्ड पे, मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस तरीके से मैंने उसको एक पॉजिटिव वे में स्पॉन्सर किया। सर ने कहा कि नहीं सर आपका बहुत अच्छा था, चीज़ें बहुत सारी अच्छी थी। और अगले ही दिन मुझे आई थिंक 11-12 बजे एचआर का कॉल आ गया था कि सर आपका इंटरव्यू कैसा था और क्या एक्सपीरियंस था, और फिर उन्होंने डायरेक्टली सीटीसी के क्वेश्चंस आ गए थे, तो मेरे बहुत ज़्यादा राउंड ऑफ इंटरव्यूज नहीं हुए थे, एचआर का जो मीटिंग शेड्यूल हुई थी उन्होंने डायरेक्टली सिंगल ही बता दिया था कि सर आपका सीटीसी क्या, वो लोग डिस्कस करें, और फिर आई थिंक 29 को तो मुझे ज्वाइन करना था, उनका एक पॉइंट था कि नहीं सर हमें अर्जेंट हायरिंग करनी है और आप 29 को कैसे भी करके सर आप लोकेशन पे पहुंचे, ये मेरा एक्सपीरियंस वाओ, इट्स अमेजिंग जर्नी गाइस. जो भी एक जर्नी को सुन रहे हैं ना, प्लीज लिसन टू हिम वेरी केयरफुली, बिकॉज ये जर्नी ऐसी ही जाती है. हम लोग सोचते हैं क्वेश्चंस बहुत टफ होंगे, हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, तो जो राम बता रहे हैं ना, ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है उनकी इंटरव्यू की जर्नी का. आप भी जब इंटरव्यू के लिए बैठोगे, जो क्वेश्चन का लेवल होगा ना, आपको ऑलमोस्ट सेम मिलने वाला है जो राम को मिला है. तो प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस दीज लेवल ऑफ क्वेश्चंस. मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे ये आपने जो नोट्स प्रोवाइड करवाए थे हमें वो कहीं ना कहीं सारे उसमें थे, तो मैंने नोट 4 बार लिया था, तो मैंने कहा इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मेरे को रिटन टेस्ट वगैरह लेके कुछ क्वेश्चंस मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके जैसे हम वॉक इन ड्राइव में जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन वो जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड थे, उसी में ही सब आए हुए थे, तो वो मुझे बेनिफिट था कि मैं डायरेक्टली समझ गया था, क्वेश्चन नोट्स पढ़ के गए थे. का लेवल इतना कोई बहुत ज्यादा नहीं था, बट वो आपको कंफ्यूज थोड़ा सा करते हैं कि अगर बच्चे ने अगर और कुछ पूछ लिया तो
सा वो चेक करते हैं, बाकी इजी रहता है एक्चुअली, वो बहुत वो नहीं रहता। ना मुझे पता है आपने बहुत मेहनत करी है डेमो में, इंटरव्यू में। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ टिप्स दीजिए आप डेमो के लिए, कि डेमो में क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत है, कैसे डेमो में अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं हम। कुछ टिप्स आपके तरफ से उसके लिए। सर डेमो में सबसे पहले तो आपका बोर्ड वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ ऐसे एग्जांपल्स आप बता सकते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जैसे मैंने वर्क का बताया था, वर्क को कैसे डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। और एक उसमें एक उसकी डेफिनेशन में एक वर्ड आया था कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को मैंने एक ऑब्जेक्ट के जरिए उसको समझाया था। तो डेमो में सर उसको एग्जाम्पल से किसी ऑब्जेक्ट से समझाओगे तो आपका प्लस पॉइंट रहेगा। और डेमो में शुरुआत के 2 या 3 मिनट, 3 4 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको 3 मिनट में जज कर लेगा इसको आता है या नहीं आता। अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन ही किसी भी टॉपिक को चूज बता रहे हैं या फिर अपना खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अगर उसमें आपने कॉन्फिडेंस दिखा दिया, चेहरे पे अगर थोड़ी सी मुस्कान है, आप टेंशन में नहीं है, मुझे मैम ने यही बताया था एक्चुअली, आपकी थोड़ा सा नर्वस मत होइए और अपनी चेहरे पे मुस्कान रखी थी, क्योंकि तो नॉर्मली बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उससे उन्होंने जज कर लिया था कि यार ठीक है हो जाएगा। तो वो एक कॉन्फिडेंस शुरुआत के 3 से 4 मिनट आपको बनाए डेमो को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो वो हो जाएगा सर, उसमें कोई इश्यू नहीं है। परफेक्ट। और कुछ टिप्स हमको चाहिए आपके और इंटरव्यू को लेकर के भी, जो इंटरव्यू आपने दिया, जो क्वेश्चंस वहां पे आते हैं, उसके लिए कौन सी बुक, कौन से सोर्स फॉलो करें जहां से हम इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। सर इंटरव्यू की प्रैक्टिस के लिए सर मैंने तो आप ही का ही सर मैम मैम के सेशंस लिए थे, मैम के सेशंस जो थे वो बहुत हेल्पफुल थे। जो कि सर हम जब इंटरव्यू दे देते हैं या कुछ डेमो सेशंस ले लेते हैं, तो जब मेन इंटरव्यू रहता है उसमें लगते ही नहीं कि हम लोग उसमें इंटरव्यू दे हाँ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जस्ट इन अनदर डेमो सेशंस। तो तो वो एक बहुत बेनिफिट रहता है कि आपका कॉन्फिडेंस रहता है उसमें। अफकोर्स अब जब आप फर्स्ट डेमो वो देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उसमें थोड़ा सा आप गलतियाँ करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आप अच्छा इस पे काम करिए। जब फाइनल आपका डेमो रहता है उस पर आप परफेक्ट हो चुके होते हैं। आई थिंक डेमो सेशन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हर एक टीचर की लाइफ इसी जर्नी में, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, इस जॉब रोल को क्रैक करने के लिए। अगर वो किसी परफेक्ट। ने सीख लिया उसको कैसे अगर उसने कमांड कर ली, आई थिंक कोई भी जॉब रोल है वो क्रैक कर लेगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा उसका। परफेक्ट। तो गाइस ये हम हमेशा बोलते हैं कि आप मॉक ले लोगे ना, मॉक से प्रैक्टिस कर लोगे, तो जब इंटरव्यू होगा आपका ना, आपको लगेगा ये एक मेरा मॉक ही चल रहा है, ये कोई इंटरव्यू नहीं है, बिकॉज आपने ऑलरेडी वो सेम चीज एक्सपीरियंस की हुई है। जैसा आपने अपना इंटरव्यू देखा है, जो आपका इंटरव्यूअर है, जो सीक्वेंस है वहां पे, डेमो, इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो भी चीजें हैं वो पहले एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। इससे क्या होता है, जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना, आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं रहता है, इंटरव्यू का लोड नहीं रहेगा कि इंटरव्यू है, मैं कैसा परफॉर्म करूं, कैसा बोलूं, कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिंपली एक माइंड में रखो, मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है, मुझे पता है क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, लेवल ये होगा, मैं क्रैक कर लूंगा, मैं क्रैक कर लूंगी। तो वो चीजें काफी हेल्प करती है आपको आपकी खुद की जर्नी में, अपने इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। सो राम, आप बताइए, बिकॉज आपने हमसे मॉक लिया, डेमो की रिकॉर्डिंग सुनी थी आपने, डेमो के टॉपिक्स लिए थे, फिर मॉक इंटरव्यू हुआ आपका, तो इस पूरी जर्नी ने, वन लाइन में बताइए मुझे, कैसे आपको हेल्प किया आपके पूरे प्रोसेस में, आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। सर एक मैं चाणक्य इसको समराइज करूंगा चीजों को कि कैसे मुझे हेल्प किया। चाणक्य ने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि अगर आप अपने खुद के अनुभव से चले गए तो आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आप किसी के एक्सपीरियंस से थोड़ा सा अगर सीख के जाएंगे तो आप अपनी जर्नी को बहुत आसान कर देंगे। तो अगर आप चीजें बहुत बेसिक सी रहती है, लेकिन अगर वो उस व्यक्ति उस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे, उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, तो ऑफकोर्स आपको सक्सेस मिलेगी। और मेहता सर के सेशंस में मैंने वही देखा था, मैंने फर्स्ट डे सर को कॉल किया था, आई थिंक एक मैम का इंटरव्यू था, तो उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे सर ने बोला मैंने फॉलो किया, तो मैं उस इंटरव्यू से इंस्पायर होकर सर को तुरंत कॉल किया था कि सर आप जो बोलोगे, आप जैसा मटेरियल भेजोगे मैं सारा पढ़ लूंगा, जितने क्वेश्चंस बताओगे सारे के सारे, बट मैं अपना 100% दूंगा, बाकी सारी चीजें आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। सने का कि बस मुझे यही चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए,
जितना गाइड कर सकता हूँ मैं पूरा हमेशा आपको हेल्प करूंगा, लेकिन मेहनत आपकी रहेगी। तो वो तो हर एक की इंडिविजुअल रहती है, अगर मेहनत अगर करने में कोई कमी नहीं रखा है तो आई थिंक उसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं कि इंटरव्यू क्रैक नहीं हो सकता है, इट्स जस्ट एन इजी सर। तो आई एम मैंने भी सो वही किया हैप्पी ताकि फॉर यू। एक्सपीरियंस सर से हेल्प लेकर के उसी चीज़ को क्रैक किया। और अगर कोई भी सेशन अटेंड कर रहा है तो आई डेफिनेटली से कि हो जाएगा कोई ऐसा कोई। उस थैंक समय यू सो इतना मच जैसे कोई सर। पहाड़ सा लग रहा था, लेकिन अभी ऐसा लगता है कुछ नहीं है। एक टाइम पर ये हाँ आपका ड्रीम जॉब था पीडब्ल्यू, और आज आप यस वहां सर, बैठे पीडब्ल्यू हो, आज में, आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हो। सो इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, हम कह सकते हैं एक शॉर्ट वर्ड में, है ना। यस सर तो गाइज ये ड्रीम आप सबका भी पूरा हो सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ में एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। हम सब पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पर दिशा कौन दिखाएगा, चलना कहाँ है, चलना कैसे है, वो दिखाने के लिए एक मेंटर आपको हेल्प करेगा। मैं आप सबको बोलता हूँ आप इसे ब्लाइंडली फेथ कर सकते हैं। मैं जो नोट्स दूंगा, जो कंटेंट दूंगा, जो क्वेश्चंस दूंगा आपको, वो सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस ही होंगे, बिकॉज आई हैव माय कनेक्शंस। तो जो क्वेश्चंस मैं दूंगा मैं वहीं से ला करके दूंगा आपको। आप ब्लाइंडली फेथ कर सकते हैं मेरे ऊपर। मैं आपसे भी यही बोलता हूँ, मैंने राम को भी यही बोला था, आप अपने एफर्ट्स करिए, डायरेक्शन दिखाना, काम करना, आपको हेल्प करना, आपकी जर्नी को स्मूथ बनाना, जिसमें हसल ना हो, कोई दरारे ना हो बीच में, कोई हसल ना हो, उसके लिए आपको हम हेल्प करते हैं। लेकिन आपका काम है अपने आप को अंदर से स्ट्रांग करना। आप जानते हो आपकी कमियां कहाँ हैं, आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हैं, उसको सुनिए, हमसे फीडबैक लीजिए, उस पर काम करिए, उसको इम्प्रूव करिए। जितना उसको इम्प्रूव करेंगे चीजें उतनी बेटर बनेंगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, एज अ मेंटर आई एम ऑलवेज देयर विद ऑल ऑफ यू जो मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में। आपका काम सिर्फ प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है, अपनी जर्नी को स्मूथ करना है। बाकी हर काम मैं कर दूंगा आपके लिए। आप ब्लाइंड फेथ कीजिए, ब्लाइंडली नोट्स पढ़िए, ट्रस्ट मी सिलेक्शन आपका 100% होगा। अगर आप खाली पढ़ के अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं तो। अगर आपको भी राम की तरह हमसे जुड़ना है इस जर्नी में, इस सेशन में, अगर आपको भी एक मेंटर की जरूरत है जो आपको दिशा दिखा सके, डायरेक्शन दिखा सके, हमसे आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के 3 बेसिक मेथड्स हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा इस टाइम पे, हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं पर्सनली कनेक्ट करूंगा आपसे, आपसे बात करूंगा और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगा। दूसरा एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, जहाँ पे जॉब की नई अपडेट्स डेली आती रहती है, वो आपको आपकी लेटेस्ट जॉब, ड्रीम जॉब पाने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो वो चैनल आपको ज्वाइन करना चाहिए, आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तीसरा एक गूगल फॉर्म का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक को आप फिलअप कर दो, मेरी टीम गेट बैक करेगी फॉर ऑल डाउट्स एंड क्वेरीज। और लास्टली अभी हमने रिसेंटली आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है, जहाँ पे एवरी डे वी गिव यू हैंडी अपडेट। शाम की जॉब है, आप सुबह देखो, अप्लाई कर दो, अपनी ड्रीम जॉब को सिक्योर कर लो। सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर लो। ये एफर्ट्स जो हम कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, इतना ही बोलता हूँ कि आप एफर्ट्स डालिए। बाकी हर चीज़ के लिए मैं हूँ, मेरी पूरी टीम है, पूरा मेहता वॉइस का फैमिली है जो सपोर्ट करेगा आपको। आप बस पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, बाकी बैकेंड में सारा काम मैं कर दूंगा। नोट्स, डेमो, मॉक इंटरव्यूज, इंटरव्यू के नंबर, एचआर कॉन्टैक्ट नंबर, सब मैं दे दूंगा आपको। आप बस पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। सो राम, बिफोर वी रैप दिस कंप्लीट सेशन, आपसे कुछ टिप्स चाहिए हमको और भी हमारे व्यूअर्स के लिए। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कोशिश तो कर रहे हैं पर इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो आपके एंड से क्या टिप्स हैं उनको, कैसे अपने आप को चार्ज अप रखे, मोटिवेटेड रखे अपने आप को? एक्चुअली ये फेज सबकी लाइफ में आता है। अगर किसी की लाइफ में ऐसा आ रहा है तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं, मेरे साथ ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा है। सबकी लाइफ में आता है, जितने भी इंटरव्यूअर्स आई थिंक सबकी क्रैक करते हैं, वो सबकी लाइफ में आता है। तो आप दो जगह फेल हो गए, तीन जगह फेल हो गए, लेकिन आप उससे एक्सपीरियंस गेन करेंगे। कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंटरव्यू में बैठने का एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। जैसे आप अपने इंटरव्यूज में बताते रहते हैं कि अगर कोई वॉकिंग ड्राइव्स है उसमें मस्ट थोड़ा आप जाना चाहिए, कि वहाँ का एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। वहाँ पे जो प्रेशर रहता है आप उसको भी झेलना सीखते हैं। बिल्कुल और भी जैसा मतलब कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि सर आपने फर्स्ट डे अगर कोई जॉब रोल में किया तो उसमें हो जाएगा। इवन मैं ऑलरेडी बहुत अच्छी एक कंपनी में था, एक्स्ट्रा मार्क्स, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, और उसमें भी उसके साथ साथ मैंने कुछ और इंटरव्यूज दिए थे ऑफलाइन के, लेकिन मेरा भी नहीं हो पाया था। मेरे को एक 1.5 साल का एक्सपीरियंस था, फिर भी नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यूस लगा रहा, मैंने अपनी जो कमियां थी उस पर काम किया और एक अच्छी जॉब मैंने आज क्रैक किया। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक जर्नी है लर्निंग की, जो आपको हमेशा थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना पड़ता है। पेशेंस नहीं रहेगा, अगर पेशेंस आप जल्दी खो दोगे
तो फिर थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर पेशेंस बना करके अगर आप अपने मेंटर पे फुली फेथ रख रहे हैं, यानी आज, और मुझे भी ऐसा लगता था यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, 3 4 जगह अप्लाई कर दिया, होगा कि नहीं होगा। लेकिन फाइनली जब हुआ तब तो सडनली ऐसा हुआ कि अभी मैं उस जर्नी को याद रखता, रिमेम्बर करता हूँ तो लगता है कि अच्छा मैंने फर्स्ट जॉब में ये गलती की थी, अच्छा इस कारण से नहीं हो पाया, इसमें ये गलती हो गई थी। तो सारी ऐसा चीजें जो लास्ट में चीजें अपन देखते तो होती एक है। बहुत वंडरफुल जर्नी रहती है। यस सर, सो गाइस मैं यही बोलता हूँ, राम ने बहुत स्मूथली अपना प्रोसेस स्टार्ट किया है। हम सबके मन में ये डर होता है और बहुत स्वाभाविक सा डर है, क्योंकि तो हमको जॉब नहीं मिली है, हम जॉब सर्च कर, डर होता है मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं जेन्युइन है नहीं है, पता नहीं हम ट्रस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट सी गाइस, हम आप सबको हेल्प करने के लिए बैठे हैं, वी हैव गिवन द रिजल्ट्स। आप YouTube खोलो, वहाँ एक सेक्शन, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ बच्चों के एक्सपीरियंस हमने शेयर करवाए हैं। तो जो भी हम कर रहे हैं आपके सामने है। कल तक राम के लिए PW एक ड्रीम कंपनी थी, आज वो वहाँ के पार्ट बने हुए हैं, उनका ड्रीम कम ट्रू हो चुका है, आपका भी होगा। ट्रस्ट योर मेंटर, ट्रस्ट मेहता वॉइस फैमिली। आप बस पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, बाकी हर चीज के लिए आई एम जस्ट अ कॉल अवे। आपने आपने बोला भी, आपको अभी रात में 12 12 बजे भी हमने बात करी है उनसे, क्वेरीज रिजॉल्व करी, डाउट रिजॉल्व करे उनके, तो टाइम इज नॉट अ इवन कंस्ट्रेंट फॉर अस। हाँ इवन सर आपका जो सपोर्ट है, जब मेरा सिलेक्शन हो गया, केवल वहीं तक ही नहीं था कि अगर इसका सिलेक्शन हो गया चलो ठीक है, हो गया हमारा काम हो गया, अच्छा मैम हमने जितनी फीस दी थी, जैसे जो होता है ना कि हाँ ट्यूशन क्लासेस में होती, हाँ पैसे दिए, काम क्लास खत्म, टीचर अपने रास्ते, स्टूडेंट अपने रास्ते, हाँ ऐसा नहीं है। अभी भी सर से मैं कांटेक्ट, आई थिंक दिन में 2 3 बार तो मेरी बात होती है हाँ चीजों बात हो को लेकर जाती के। है। और जहाँ मैं अभी मेरा प्लेस जॉब लोकेशन है बुलढाणा महाराष्ट्र में, वहाँ पे ऑलरेडी सर के 2 कैंडिडेट ऑलरेडी है, तो हाँ सर ने मुझे कांस्टेंट सपोर्ट दिया और उन लोगों ने भी सपोर्ट किया अकोमोडेशन में, बहुत सारी चीज़ों में, तो हमारी कंटिन्यूस सर से बात होती रहती है। वो एक कंटिन्यूस सपोर्ट है, ऐसा नहीं कि वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, तो यस, मैं मैं हमेशा बहुत बोलता हूँ, ही अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरी लाइफ में सर है जो कि मुझे कंटिन्यूस हेल्प कर रहे हैं। और भी जैसे जर्नी में के दौरान भी बहुत सारी ऐसी चीजें आई कि आपको कई बार कुछ चीजें रहती है, उसमें भी सर आपको हेल्प कर रहे हैं, तो बस थैंक यू सो मच, थैंक यू मोस्ट सो मच वेलकम सर, जी, मोस्ट वेलकम। तो बहुत मैं हमेशा बस। बोलता हूँ कि लाइफ टाइम असिस्टेंस है, लाइफ टाइम सपोर्ट है आपके लिए। वेन एवर यू नीड माई हेल्प, आपको रहने में दिक्कत है, अकोमोडेशन में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, मेरे कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट हर जगह प्लेस्ड है, कुछ ना कुछ लोकेशंस पे। तो जहाँ तक मेरी रीच है, जहाँ तक मेरे रीच आउट्स हैं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। आप कुछ मत सोचो, बस लग जाओ, अभी भी वैकेंसीज चल रही हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करिए, कनेक्ट करिए, अपनी जर्नी को आज से शुरू करिए, बिकॉज यू नेवर नो वैकेंसी कब बंद हो जाएगी। उससे पहले अपनी ड्रीम जॉब को सिक्योर कर लो, अगर आप सोचने बैठोगे तो सोचते ही रह जाओगे। तो बेटर है एक्शन लो, बी एक्शन टेकर, ताकि आपको आपकी ड्रीम जॉब जल्द से जल्द मिल जाए। तो इस सोच के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, बट जल्द मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में विद सम न्यू कंटेंट। आपका काम वही है जो आप हमेशा हमको करते हो, सपोर्ट करते हो हमको हर तरीके से। वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और वीडियो को शेयर भी करा रखो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, नीड है, उनको इससे बहुत हेल्प मिलेगी टू गेट टू नो कि जॉब्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है। बाकी आपसे मिलेंगे, जल्द मुलाकात होगी आपसे विद सम न्यू कंटेंट। टिल दैट टाइम जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप अप्लाइंग, कीप ज्वाइनिंग मेहता वॉइस फैमिली, ताकि हम आपको हेल्प करके आपकी ड्रीम जॉब भी सिक्योर करा सके। टेक केयर, बाय बाय। Thank you.